नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आली और आप सब देख रहे हैं मेरा हेल्पफुल चैनल ए टू जेड सर्विस पोर्टल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा सर्विस पोर्टल में। आज का वीडियो में आप लोगों को लिए ले आया है एलएनटी का एक मार्जिंग भर्ती। तो दोस्तों, देख लेता इस भर्ती में सैलरी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मूल टॉपिक में जाने का पहले बेसिकली एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एलएनटी में जो फ्रेशर भर्ती होता है उसमें स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेके 50,000 तक देता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, एलएनटी में चार टाइप का रिक्रूट होता है, एफएलएस, डीटी, जीटी, पीजीटी। अभी एफएलएस का स्टार्टिंग सैलरी 20,000, डीटी का स्टार्टिंग सैलरी 30,000, जीटी का स्टार्टिंग सैलरी 40,000, पीजीटी का स्टार्टिंग सैलरी 50,000। हम लोग देख लेता इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एफएलएस के लिए आईटीआई, डीटी के लिए डिप्लोमा, जीटी के लिए बीटेक और बीए एंड पीजीटी के लिए बीटेक प्लस एमबीए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, एफएलएस के लिए ओनली फॉर कॉलेज कैंपस होता है, बाकी तीनों के लिए कॉलेज कैंपस प्लस ऑनलाइन प्रोसेस में होता है। तो अभी हम लोग देख लेता ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन फॉर्म भरने का टाइम मैक्सिमम कैंडिडेट एक वाइटल पॉइंट मिस करता। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करता, फॉर्म भरने का टाइम रेफरेंस आईडी मिस करता। लेकिन याद रखिए, रेफरेंस आईडी जिस कैंडिडेट ने नहीं डालता उनका सिलेक्शन का चांस ओनली फॉर 10%। बाकी जिस कैंडिडेट ने रेफरेंस आईडी डालता उनका सिलेक्शन का चांस 90%। तो अभी खुद ही सोच लीजिए आप क्या करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, रेफरेंस आईडी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको थोड़ा भी मदद चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेता आज का वीडियो का मूल टॉपिक। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट आपको गूगल ब्राउज़र जाना पड़ेगा। गूगल ब्राउज़र जाके आपको टाइप करना पड़ेगा LNTECC.com। उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। देखिए, आपको आ गया एलएनटी का पोर्टल। यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए करियर, करियर में क्लिक करना पड़ेगा। करियर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट करने के बाद आपको सामने आ जाएगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मीन्स जीईटी, ये देखिए जीईटी का प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जनवरी टू मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो गया। अभी देख लीजिए नीचे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक है। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, इसका प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है जनवरी टू मार्च, इसका भी देखिए रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है। इसके बाद है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, इसका प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ मार्च टू मई, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे भी है। तो अभी हम लोग देख लेता डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक करके। यहाँ पे देख लीजिए आ गया आपको डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड, एंटर वेरिफिकेशन कोड। न्यू यूजर के लिए आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा, नेम मतलब आपका नाम, नाम लिख दीजिए यहाँ पे कैपिटल में। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दीजिए,
ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आएगा डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको सही से डालना पड़ेगा। सही से डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन कोड मिसमैच। अभी सबमिट हो गया। ये देखिए आपको सामने आ गया योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, कन्फर्मेशन मैसेज हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। इफ़ यू डू नॉट रिसीव द कन्फर्मेशन मैसेज विद इन ए फ्यू मिनट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इन योर इनबॉक्स, प्लीज़ चेक द जंक और स्पैम फोल्डर्स। ओके दोस्तों, ओके करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपको ईमेल आईडी में जो पासवर्ड गया वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। अभी देखिए लॉगिन हो गया, सेव कर दिया मैं। अभी यहाँ पे आपको आ गया डिटेल्स। देखिए यहाँ पे आपको आया पोजिशन अप्लाइड फॉर, मतलब यहाँ पे आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी DET, यहाँ पे फुल नेम आपको भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, डिटेल्स आपको भरना है। डिटेल्स भरने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जितना भरना है भर के सबमिट करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, पिन, मेरिटल स्टेटस, डिसिप्लिन, जेंडर, मेरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, कैटेगरी, इसके बाद आपका मदर टंग, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी जो होगा उसका डिटेल्स देखिए। बंगाली, बंगाली आपको रीड राइट स्पीक। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज हिंदी, हिंदी आपको स्पीक रीड, इंग्लिश
रीड राइट स्पीक परमानेंट एड्रेस आपको जो होगा पासपोर्ट नंबर रहेगा तो पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा डिटेल्स मेडिकल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा इस साइड में उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड यहाँ पे आपको स्टेट का नाम यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम यहाँ पे आपको मैकेनिकल या तो सिविल आपका जो वो लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको टेंथ का नंबर मैक्सिमम नंबर स्कूल ईयर ऑफ पासिंग मंथ लिखना पड़ेगा उसके बाद आपको डिप्लोमा का डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा साल में कौन सा महीना में उसके बाद आपको सेम सार बार प्रॉब्लम बोल के सेव नहीं हो रहा उसके बाद आपको सेव हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प किया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।